नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अमेजिंग कॉर्नर पर। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम पेटीएम को यूज़ करके हर ट्रांजेक्शन पर कैशबैक पा सकते हैं। ठीक है, तो आप आ जाएंगे पेटीएम में, या आपको प्ले स्टोर से पेटीएम डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसमें आपको मैं दिखाऊंगा मैंने अभी तक कितना पेटीएम पर अपना कैशबैक पाया। 547 रुपये अभी तो मैंने पाया, ये देखिए 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, इस तरह से मैक्सिमम मेरा 150 रुपये तक का कैशबैक आया है। 547 रुपये मिले हैं। इसके लिए हमें इस नए वॉलेट में जाना होगा कैशबैक ऑफर्स पर। कैशबैक ऑफर्स में आने के बाद हमारे यहाँ पर ऑफर्स शुरू हो जाएंगे, जो हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी ये ऑफर मिले हुए हैं, 15 रुपये का डिस्काउंट का ऑफर है ये, तो मैं ये देखिए यहाँ से पर्सनल पे इस टाइप से ऑफर्स आते हैं। और हम पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट, जितनी पेमेंट पर हम पहुँचते हैं उतना हमारा कैशबैक मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि पहले पेमेंट पर 15 रुपये का गोल्ड वाउचर, ये तो वाउचर का है फिलहाल, इसमें कैश का भी ऑप्शन आता है। इसके लिए आपको यहाँ से अपडेट रहना चाहिए। ये देखिए कैशबैक ऑफर्स में आएंगे तो ये जो 4 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर अपना कैशबैक का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से ऑफर को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, और एक्टिवेट करने के बाद हम पे नाउ पर आ जाएंगे। यहाँ से पे करेंगे तो ये पे करने के बाद जो है हमारा कैशबैक हमें वॉलेट में मिल जाएगा। जैसे कि ये देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, देखते रहिए। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने पेटीएम वॉलेट से अब तो डिजिटल मार्केट में बहुत चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है, इसलिए हम वापस ये देखिए यहाँ से ये कोड लगा के भी हम कैशबैक पा सकते हैं। जैसे कि मोबाइल 30 का हम रिचार्ज करेंगे तो 30 रुपये वापस, बाकी 3 मूवी देखने के लिए वाउचर मिल जाएगा। तो ये ऑप्शंस आते रहेंगे और आपको मिलते रहेंगे। लकी 200, इसमें आपको पूरा कैशबैक मिलेगा 200 रुपये का। अब अगर बात करते हैं इसको यूज़ करने की, यहाँ से हम इसमें रिचार्ज में यूज़ कर सकते हैं DTH, टोल फ्री, फास्टैग, डेटा कार्ड, मेट्रो और गूगल प्ले के जो परचेजिंग आइटम्स होते हैं उन्हें परचेज कर सकते हैं। बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, मोबाइल पोस्टपेड का बिल, ब्रॉडबैंड का बिल, पाइप कनेक्शन बिल, जो गैस का पाइप कनेक्शन है, क्रेडिट कार्ड, लैंडलाइन, वाटर, केबल, CCTV या फीस पेमेंट, डोनेशन भी दे सकते हैं, चालान भर सकते हैं, कॉलेज की फीस, एग्जाम फीस, ठीक है, ये सब हमारा यूजेज में आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा क्या है, बैंक का भी ऑप्शन आ गया। यहाँ पर अगर हम जाएंगे इस ऑप्शन में तो हमारा बैंक अकाउंट खुल के आ जाएगा, जो कि हमारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, जिसमें हम अपना ATM कार्ड भी मंगा सकते हैं। इसमें आपका ATM कार्ड भी आ जाएगा अगर आप मंगाना चाहते हैं। बाकी इसमें हम शॉपिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेंस, वुमेंस, किचन, सारी चीज़ें। दोस्तों इसमें आपको अपनी KYC रिटर्न करानी होगी, बिना KYC के भी आप पैसे भेज सकते हैं, ले सकते हैं। बस ये है कि एक कंडीशन होती है, अमाउंट आपका 10,000 से 20,000 तक की लिमिट रहेगी। यहाँ आपकी पासबुक आ जाएगी, पासबुक में आप जाके अपना हिसाब देख सकते हैं, आपका जो भी लेन देन चल रहा है। जैसे कि मैंने ये खोला, मेरा जितना भी पैसा यहाँ से सेंड हुआ है या रिसीव करा है वो सब इसमें आएगा। बाकी यहाँ पर आपका लिफाफा का ऑप्शन आ जाएगा, किसी को अगर लिफाफा भेजना हो, फेवरेट स्टोर आ जाएगा पैसे ऐड करने के लिए, ऐड मनी का ऑप्शन आ जाएगा। बहुत अच्छी ऐप है, बहुत यूज़फुल ऐप है, आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मली आपको बेनिफिट ही मिलेगा, ये नहीं होगा कि आपका कोई नुकसान हो जाए। यहाँ से अपनी सेटिंग से हम जो है सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, सिक्योरिटी का, नोटिफिकेशन का। बाकी इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के ऑप्शन में जाना होगा। इसमें आपको एक और फीचर मिल जाएगा पेटीएम पोस्टपेड। अगर आप जैसे कि मान लीजिए पेटीएम पोस्टपेड यूज़र हैं, तो आपको पोस्टपेड में 500 रुपये, 1,000 रुपये की लिमिट मिलेगी, जो आप यूज़ कर सकते हैं और एक महीने के बाद पे कर सकते हैं कंपनी को। लेकिन ये लिमिटेड लोगों के लिए ही है। जैसे कि मैं ओपन करूँगा, मेरे इस वाले अकाउंट में ये ऑप्शन नहीं दे रही है कंपनी, बाकी कुछ लोगों को दे रही है जो अपने खाते में पैसे का लेन देन ज़्यादा करते हैं। एक अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इसमें आपको पैसा रिफंड आएगा अगर कोई गलत ट्रांजेक्शन हो जाता है। लिमिट्स वगैरह यहाँ से चेक हो जाएंगी आपकी। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे पेटीएम का यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर